हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? हरियाणा में जेबीटी टीचर्स सरकार आपको तोहफा देगी, जाने भर्ती आएगी या नहीं, आज की पूरी खबर आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट है दोस्तों। जो भी जेबीटी टीचर्स हैं हरियाणा में, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्ती आएगी या नहीं, पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी खबर तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए जॉब से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं, जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित ज़रूर होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले बैल के आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिल सके। आपको दिखाते पूरी खबर। आप सभी जानते हैं दोस्तों, हरियाणा में लगभग 2011 के बाद कोई भी जेबीटी टीचर भर्ती नहीं हुई है। 8 साल हो चुके हैं हरियाणा में जेबीटी टीचर भर्ती निकले हुए, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने 2011 में एचटेट पास किया था, ठीक है, 2011 के बाद 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2017 में, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तीन तीन बार एचटेट पास कर चुके हैं, लेकिन भर्ती न आने की वजह से एचटेट की जो सर्टिफिकेट है वो एक कागज़ का टुकड़ा मात्र रह चुकी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि टीचर की भर्ती हरियाणा में नहीं आ रही है। हरियाणा में जॉब निकलने के चांस थे, जेबीटी की जो जॉब थी, जेबीटी टीचर्स की, वो जॉब निकलने के 100% चांस थे, लेकिन सरकार ने क्या किया पीछे आप सभी जानते हैं, कि जो गेस्ट टीचर लगे हुए थे हरियाणा में, उन सभी को विधेयक बनाकर गेस्ट टीचर को विधेयक बनाकर उन्हें पक्का कर दिया गया, ठीक है, जिससे जेबीटी की भर्ती निकलने के फिलहाल कोई चांस नहीं दिख रहे, क्योंकि 7,000 गेस्ट टीचर ऐसे थे जो कि पक्के कर दिए गए। हाँ, कुछ कैंडिडेट ने कोर्ट में अर्जी लगाई है, जेबीटी के जो धारक हैं आप सभी हमारे भाई बहन जिन्होंने जेबीटी कर रखी है, एचटेट पास कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, उन सभी ने कोर्ट में अर्जी लगाई है कि इस विधेयक को फैल कर दें और इस विधेयक को हटा दें, ताकि हरियाणा सरकार जेबीटी के पदों पर भर्ती कर सके। आपको बता दें, हरियाणा में इस बार वर्ष 2017 से लेकर, ठीक है, और 2019 तक, अभी तक आपको बता दें 978 स्कूल प्राइमरी, 978 स्कूल पीआरटी के जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वो हरियाणा ने सरकार ने बंद कर दिए हैं, ठीक है। क्यों बंद किए गए हैं? क्योंकि उन स्कूलों में 20 स्टूडेंट से भी कम स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि जिन स्कूलों में 20 स्टूडेंट्स हैं उन स्कूलों में भी उन जो अध्यापक हैं उन्हें उतनी ही सैलरी दी जाए? तो उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब स्कूल बंद होंगे तो वैकेंसी कहाँ से निकलेगी, आप सभी जानते हैं। 978 स्कूल कम नहीं होते दोस्तों। अगर एक स्कूल में 4 भी अध्यापक लगे रहे तो आप काउंट कर सकते हैं कि कितने अध्यापकों को अब दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया, और उन स्कूलों में अगर और अध्यापक आते तो अब कहां पर सरकार लगाएगी, आप सभी जानते हैं। तो जेबीटी की जो भर्ती निकलने वाली थी जून 2019 में, ठीक है, आप फिलहाल कोई चांस नहीं मान रहे कि जून 2019 में जेबीटी टीचर्स की भर्ती निकले, क्योंकि सरकार को टीचर चाहिए ही नहीं, कहां से सरकार लगाएगी बताइए आप। जब सरकार के पास सरकारी स्कूल ही नहीं होंगे, उनमें सरकारी स्कूल भी बंद कर रही है सरकार, 978 स्कूल बंद कर दिए गए, बताओ कोई कम नहीं है आंकड़ा, क्योंकि सभी ये चाहते हैं सभी अभिभावक कि हमारे सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में कोई भेजता नहीं, नौकरी सभी को सरकारी चाहिए। अब बताओ किस प्रकार सरकार लगाए।
अब टीचर्स की भर्ती तो निकालती सरकार, हाँ आपको बता दे पीआरटी की भर्ती काफी मुश्किल है हरियाणा में आनी, लेकिन हाँ टीजीटी और पीजीटी ये भर्ती जून 2019 में आने वाली है, आप देख सकते इनका नोटिफिकेशन देख पाएंगे। लेकिन हाँ बहुत मुश्किल है पीआरटी की भर्ती आनी, क्योंकि पीआरटी टीचर 2011 2011 के बाद नहीं निकली, लेकिन अभी भी बता दें आपको 2 या 3 साल वैकेंसी निकलने के कोई भी चांस नहीं बन रहे। अगर वह विधायक जो कि गेस्ट टीचर का विधायक था वह फेल हो जाता है तो 7,000 वैकेंसी खाली हो जाएगी, आपको बता दें ठीक है 7,000 वह वैकेंसी खाली हो जाएगी। अगर गेस्ट टीचरों को हटा दिया जाए तो वैकेंसी निकल सकती है, तो वैकेंसी का साफ हो सकता है कि वैकेंसी निकल सकती है। लेकिन हाँ सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव सर पे है, आप सभी जानते हैं चुनाव सर पे है, चुनाव को मद्देनजर देखते हुए गैस टीचरों का यह विधायक फैल नहीं करेगी। अगर यह फैल नहीं करेगी तो वैकेंसी किस प्रकार आएगी, ठीक है। सॉरी दोस्तों बीच में कॉल आ गई थी, तो आपको बता देते हैं पीआरटी की वैकेंसी की काफी मात्रा में संभावना नहीं है। आपको क्या लगता है कि पीआरटी की भर्ती आएगी तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और हम फिर से डिस्कस करेंगे एचएसएससी से कि पीआरटी की वैकेंसी आएगी या नहीं। हमें नहीं लगता कि पीआरटी की वैकेंसी आएगी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा सरकार कहाँ पे लगाएगी, जब 978 स्कूल हरियाणा सरकार बंद कर देती है तो बताओ पीआरटी किस प्रकार भर्ती लगाएगी। मैं भी एक टीचर हूँ, आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे भी जेबीटी कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं टीचर बनूँ, एचटेट मेरा 2 बार क्लियर है, ठीक है। तो आप सभी को क्या लगता है हमें जरूर बताएं कमेंट्स करके, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा, इसी चैनल पर बने रहिएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हमें कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, आपको हर डाउट क्लियर किया जाएगा। यह वीडियो आपने यहां तक देखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।